लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 लंबी बहस और विरोध के बीच पास हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है। अब नए कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि असम, मेघालय और त्रिपुरा में जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्य में नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ऐलान कर दिया है कि नागरिकता बिल मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने CAB व नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन NRC दोनों को गलत बताते हुए कहा कि पंजाब किसी हालत में इस विधेयक को मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि ये भी NRC की तरह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इसे लागू नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा का एक लंबा हिस्सा सीमावर्ती राज्य पंजाब से लगता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।